हाय गाइज, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल लर्न टू फॉर एवर। गाइज, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वोकेबलरी। सो यू नो द वोकेबलरी वर्ड इज क्रेजी। यू नो इट इज द लाइक सफिक्स, या एक क्या है, सफिक्स है जो किसी शब्दों के पीछे लगता है। आप लोग जानते हैं जो सफिक्स होते हैं वो शब्दों के पीछे लगते हैं, और जो प्रीफिक्स होते हैं वो शब्दों के आगे लगते हैं। तो इस जो ये जो सफिक्स है क्रेसी, इसका जो हिंदी मीन होता है वो तंत्र होता है। अब इससे रिलेटेड जितने भी शब्द बनेंगे तो उन शब्दों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला शब्द क्या है अपना। तो ये पहला शब्द है ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो आप लोग ऑटोक्रेसी का मतलब जानते होंगे। देखिए, ये जो वर्ड है ये आपको कहीं ना कहीं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनमें हेल्प करने वाले हैं। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि स्वयं का शासन, यू नो। और जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो ऑटोक्रेसी जो शब्द है ये नाउन है, लेकिन इसी शब्द से हम तीन चार शब्द और बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो देखिए। पहला शब्द बन जाएगा, वो बनेगा ऑटोक्रेट। तो ये नाउन होगा, लेकिन ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। अगला जो शब्द होगा वो बन जाएगा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक ये एडजेक्टिव बन जाएगा। अगला जो शब्द होगा ऑटोक्रेटाइज, ये हमारी वर्ब बन जाएगी। और अगला जो शब्द होगा वो होगा ऑटोक्रेटिकली। ऑटो क्रेटिकली, तो ये हमारी एडवर्ब बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे कहीं ना कहीं एक शब्द से हम लोगों को चार वर्ड और मिल जा रहे हैं। तो आगे जो भी वर्ड आएंगे उन्हें आप लोग इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो क्या है, देख लेते हैं एक बार, इसे इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। तो नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है। लाइक अगर मैं बात करूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो इसका मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गॉड और अ डायटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सुप्रीम सिविल रूलर। ठीक है, जो कट्टरपंथियों का कहीं ना कहीं शासन, ऐसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब इसके भी हम कहीं ना कहीं वो चार शब्द थे वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नियोक्रेसी। तो नियोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाई नो वाइस पर्सन और न्यू पर्सन इज कॉल्ड नियोक्रेसी, यानी कि नए लोगों का शासन। ठीक है, अगला शब्द है अपना ब्यूरोक्रेसी। देखिए, ब्यूरोक्रेसी की एक बार स्पेलिंग देख लेना, VUREAUCRACY होता है। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है हम लोगों से। तो अगर ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए गवर्नमेंट विच कंटेन्स मैनी ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जिस शासन में होते हैं उसे क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है मोनोक्रेसी। देखिए, जो मोनो प्रीफिक्स यहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब होता है एक। आपने और भी शब्द सुने होंगे, जैसे कि मोनो हुआ, बाई हुआ, डाई हुआ, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई हुआ, ठीक है, पेंटा, हेक्सा। तो ये शब्द जब लग जाते हैं तो इनका अलग मतलब होता है। और क्रेसी का मतलब है तंत्र, मोनो का मतलब है एक, यानी कि एक लोग का शासन। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, मोनोक्रेसी। अगला जो शब्द है अपना वो है ओलिगा क्रेसी। इसका मतलब होता है माफियाओं का शासन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाई एलिट क्लास पर्सन इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुलीन लोगों का शासन, अगर हिंदी में बात की जाए तो। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है मोवोक्रेसी। अब जो मोवो यहाँ पे प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है भीड़। ठीक है, भीड़, और क्रेसी यानी कि भीड़ के द्वारा शासन। ठीक है, तो
इसका क्या हो जाएगा, अ शासन गवर्नमेंट रूल्ड बाई मोव, ठीक है। तो अगले शब्द पे चलते हैं। अगला जो वर्ड है अपना वो है, ये दो दो वर्ड आ गए हैं, चलिए एक एक करके इन्हें कर लेते हैं। पहला है मेरिटोक्रेसी। अब मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मैं देखिए आपने सुना होगा किसी भी चीज़ की मेरिट और डीमेरिट, तो मेरिट शब्द अच्छे के लिए आता है ना, तो इसे हो जाए मतलब क्वालिटेटिव पर्सनों द्वारा जो शासन है उसे कहेंगे मेरिटोक्रेसी, अच्छे लोगों का शासन, है ना हिंदी में। अगला शब्द है क्लिप्टोक्रेसी। अब जो क्लिप्टो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है चोरी, ठीक है। क्रेसी का मतलब हो गया तंत्र, यानी कि गवर्नमेंट रूल्ड बाई थीव्स, चोरों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे क्या कहेंगे, क्लिप्टोक्रेसी। अगला शब्द है जीनोक्रेसी। अब जीनो जो प्रीफिक्स है ये बना है जीनियस से, ठीक है। तो जीनियस होता है कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग, तो क्या हो जाएगा, अ गवर्नमेंट बाई जीनियस पीपल इज कॉल्ड जीनियोक्रेसी। अगला जो शब्द है वो है अपना कैकिस्टो, कैकिस्टो क्रेसी। अब कैकिस जो शब्द है या प्रीफिक्स है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड पर्सन। तो वी कैन से लाइक गवर्नमेंट रूल्ड बाई अनसिविलाइज्ड पर्सन इज कॉल्ड कैकिस्टो क्रेसी। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है टीमोक्रेसी। अब जो टीमो प्रीफिक्स आता है वो आता है किसके लिए, जो ऐसे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को अधिग्रहण कर लेते हैं प्रॉपर्टी का, तो उस चीज के लिए है कि यानी कि गवर्नमेंट रूल्ड बाई प्रॉपर्टी होल्डर्स ना। नेक्स्ट वर्ड है इर्गेटोक्रेसी। अब जो इर्गेटो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है कर्मकार, यानी कि कार्य करने वाले लोग, यू नो। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाई वर्किंग क्लास पर्सन इज कॉल्ड इर्गेटो क्रेसी। अब चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड क्या है, टेक्नोक्रेसी। अब टेक्नोक्रेसी आप लोग समझ ही गए होंगे, अ गवर्नमेंट बाई टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड टेक्नोक्रेसी। अगले शब्द पर चलते हैं, अगला वर्ड है वो है जीरंटोक्रेसी। अब जो जीरंटो शब्द है ये आता है बूढ़े व्यक्तियों के लिए, यानी कि ओल्ड पर्सन के लिए। तो वी कैन से दैट अ गवर्नमेंट रूल्ड बाई जी अ गवर्नमेंट रूल्ड बाई ओल्ड पर्सन इज कॉल्ड जीरंटो क्रेसी। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अगला जो शब्द है वो है अपना डेमोक्रेसी। और आप लोग जानते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सो डेमोक्रेसी का मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, लोकतंत्र, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। देखिए एक रूट से हम लोगों ने कितनी स्पेलिंग्स यहाँ पे कर ली हैं, तो ऐसे ही आप लोगों को आगे भी वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये थोड़ा भी पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।